नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं हमेशा की तरह दोस्तों आपको वो अंक बताने के लिए जा रही हूँ, जिस अंक को आज के दिन लिखने मात्र से आपकी किस्मत चमकेगी। मैंने जब भी अंकों की वीडियो बनाई है दोस्तों, काफी लोगों को बहुत बहुत फायदा हुआ है। हाँ, कुछ एक ऐसे भी हैं जिन्हें फायदा नहीं हुआ है, तो उन्हें खुद से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा है। क्या आपकी आस्था में कमी है? कहीं ना कहीं आप उसको उसका जाप कम कर रहे हैं, लिखने में कोई गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर हो रही है। आप उसे इम्प्रूव करें, क्योंकि अंकों की वीडियो से दोस्तों बहुत सारे लोगों को, ढेरों लोगों को फायदा हुआ है। तो प्लीज़ बिना किसी संदेह के आप इन उपायों को जरूर करें। एंड स्पेशली जो अंकों की वीडियो में डाल रही हूँ, उन्हें तो आप बिना कुछ सोचे ही फॉलो करें, ठीक है दोस्तों। 7 का अंक मानव जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जहां जीवन की शुरुआत होती है, जहां इंसान अपनी गृहस्थी की शुरुआत करता है, वहीं से शुरुआत होती है 7 फेरों से। शादी में दोस्तों 7 फेरे लिए जाते हैं, है ना? 7 ही समुंदर हैं, सप्त ऋषि हैं दोस्तों। गिनने से जैसे 7 वार है, ऐसे आप गिनने जाएंगे दोस्तों तो 7 का अंक इस यूनिवर्स में हर जगह फैला हुआ है। 7 रंग है इंद्रधनुष के, और हर रंग अपने अलग ही ग्रह से जुड़ा हुआ है, और वही ग्रह इंसानी जिंदगी के ऊपर अपना राज करते हैं। कदम कदम पर आप देखें, 7 का अंक आपकी किस्मत से जुड़ा हुआ होता है। 7 के अंक का व्यक्ति, मतलब जिसका मूलांक 7 है, मतलब कि जिसकी जन्म तारीख 7 है, 16 है, 25 है, ऐसे लोग जिस व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं, उस व्यक्ति का भी भाग्योदय हो जाता है। 7 के अंक का व्यक्ति कभी भी शांति से नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। उसके दिमाग के अंदर जबरदस्त क्रिएटिविटी होती है। पानी से 7 के मूलांक वाले व्यक्तियों का बहुत लगाव होता है। क्यों? क्योंकि 7 का अंक दोस्तों जुड़ा हुआ है पानी से। 7 का अंक जुड़ा हुआ है वरुण देव से। वरुण देव क्या है? जल। जल जुड़ा हुआ है चंद्र से। चंद्र क्या है? आपके मन से जुड़ा हुआ ग्रह है ना। तो जो जल है वो हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जल के देव वरुण देव, ये देव है 7 मूलांक वालों के, जिनका भी मूलांक 7 का है, उनके देव ही वरुण देव है। इसलिए 7 के मूलांक के व्यक्ति को आप देखना, जहाँ पानी बह रहा है, जहाँ बहती हुई नदियाँ हैं, सरोवर है, वहाँ उन्हें बैठना बहुत अच्छा लगेगा। एक्वेरियम के पास यदि उन्हें बिठा दिया जाए तो घंटों बैठे रहेंगे, क्योंकि वो अपने आराध्य के पास बैठे हैं, अपने देव के पास बैठे हैं। सोमवार के दिन यूं भी दोस्तों, आप हमेशा ही हर सोमवार 7 का अंक अपने लेफ्ट हैंड साइड की बॉडी पर ग्रीन पेन से जरूर लिख लिया करें। ग्रीन पेन से भी लिख सकते हैं, और सिर्फ पानी ले लें, आप पानी ले और पानी से ही 7 लिख दें, 7 7 7 अपने लेफ्ट हैंड साइड की बॉडी में कहीं पर भी लिखें। और मैं तो चाहूंगी कि आप हाथ में लिखें, कोहनी के नीचे का ये जो एरिया है आप उसमें लिखें। और सोमवार के दिन जितना ज्यादा हो सके दोस्तों 7 के अंक को चेंट करते रहें, मन ही मन बोलते रहें। जहां पर भी आपके घर में मटका है, मटके पर 7 7 7 जरूर लिख दें। यही पर वरुण देव का वास है, और उन्हीं का अंक यदि आप वहां पर लिख देंगे तो पूरे घर में दोस्तों सभी के मन शांत हो जाएंगे। परिवार के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी बढ़ने लग जाएगी। आपकी प्रोग्रेस में भी यदि आपका मन कहीं रुकावट पैदा करता है तो वो भी बहुत आसानी से दूर हो जाता है।
और दोस्तों आज के दिन छत पर या कहीं पर भी खुले स्थान में जाएं और हवा में अपनी तर्जनी उंगली से 777 और ऐसे बोल रहा हूं करते। आप सोचें कि हवा में अंक लिखना, हवा में दोस्तों अंक लिखना बहुत ही बड़ा उपाय है। हवा के अंदर आप कोई भी अंक लिखते हैं, कोई शब्द लिखते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाता है। ये पंच तत्व ही हैं जिसको मिलकर के ये शरीर बना हुआ है। तो जल स्थान में आपको इसलिए लिखना है कि वहीं पर उनका उनका जो मेन होम है, जो डेस्टिनेशन है, जहाँ इनका वास है वरुण देव का, वो है आपके घर का मटका या आरओ, जहाँ पर आप पानी स्टोर करते हैं। दूसरा, हवा में लिखने से आपकी जो भी इच्छा है वो इच्छा तुरंत पूरी होती है। हवा में भी आप इसको लिखें, मतलब आपको दो जगह लिखना है आज के दिन, एक हवा में, दूसरा आप पानी, जहाँ पर पानी स्टोर करते हैं वहाँ पर लिखें। और हाथ पर तो आप हमेशा ही लिखते रहें, आपके लिए हमेशा शुभ होगा। जिनका अंक 2 का है, 7 के मूलांक के साथ 2 के मूलांक वाले भी, क्योंकि जिनका भी मूलांक 2 का है वे लोग भी चंद्र प्रधान होते हैं, वे लोग भी जल तत्व से जुड़े हुए हैं, मतलब जिनकी जन्म तारीख 2 है, 11 है, 29 है, उनके लिए भी ये रामबाण उपाय है। हमेशा ही आप इसको पढ़ते रहें, नॉट नेसेसरी के आज के ही दिन करें। कुछ ही दिनों में दोस्तों आपके मन चाहे काम होने शुरू हो जाएंगे। भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी, वरुण देवता की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी, और जब आप हवा में लिखते हैं तो पूरे यूनिवर्स की आपके ऊपर कृपा उतरती है। तो आज के दिन 777 जरूर लिखें। क्या अनुभव होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। कोई सी बात जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का दोस्तों गलती से भी कॉन्टेक्ट ना करें। उपाय को करते रहें और खुश रहें। जय श्री।